हेलो फ्रेंड, क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज, आपका आईयूपीएसी पद्धति से जो नेम होता है कार्बन कंपाउंड्स के, ठीक है, और आपका फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे। तो आज हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है ना, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज लेते हैं कंबस्ट। कंबस्टन, इट इज आल्सो नोन एज बर्निंग, इसको हम बर्निंग भी बोलते हैं, कंबस्टन और बर्निंग। हम किसी चीज को जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टन, ठीक है ना। तो कंबस्टन क्या है, तो फर्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या है, तो कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन एयर to produce carbon dioxide and water heat and light, ठीक है। तो जो जनरली हमारे hydrocarbons हैं, जिनको हमने previous video में पढ़ा, alkane, alkene, alkynes, ठीक है ना, इनको जब हम बर्न करते हैं एयर में तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे जो वाटर जो होता है, ठीक है ना, ये लिक्विड फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इतना ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है कि क्या होता है, वहां पे वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। अगर यहां पे हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मैंने बता रखा, ओनली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। अगर यहां पे देखा जाए, अगर एल्केन्स में तो क्या होगा, अगर इसका एग्जांपल फर्स्ट मेंबर क्या होता, एल्केन्स ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है क्या होता, मीथेन होता, आपका इथेन भी है, ठीक है, आपका प्रोपेन, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसके एल्केन्स ग्रुप के है। अब यहां पर अगर हम इसको बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे मीथेन है, अब इसको हम जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, एयर में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, यहां पर हम लिख देते हैं कंबस्टन, ठीक है, कंबस्टन मीन्स बर्निंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा हीट और प्लस आपका लाइट, ठीक है। जब हम मीथेन को हम एयर में जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, बट यहां वाटर क्या होगा, वेपर कंडीशन में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गैस है, तो ये क्या है, ये आपका जो एल्केन्स है, ठीक है ना, जो एल्केन्स के कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, ये क्या है, ये एक्सेलेंट फ्यूल है, बिकॉज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है ना, यहां पे एक्सेलेंट फ्यूल है। इसी तरह जो अगर हमारी एलपीजी गैस है, ठीक है ना, जिसको घर में यूज होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, अगर कुकिंग गैस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हमारा होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है ना, ब्यूटेन का क्या होता है, C4H10, ठीक है ना। ये ब्यूटेन जो होता है ये क्या होता है, एल्केन ग्रुप का है, जब एल्केन ग्रुप का है तो यहां पे क्या होगा, ये लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी नेक्स्ट आते हैं थोड़ा,
यहां पर अगर देखा जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या आपका एल्केन आता, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या क्या था, मीथेन, इथेन और आपका प्रोपेन, ठीक है ना। अगर यहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या क्या होता, आपका एल्कीन ग्रुप आता और आता एल्काइन, ठीक है ना। अगर इसका एग्जांपल है तो क्या हो जाएगा, यहां का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, कार्बन के टू एटम से शुरू होता, तो C2 आपका हो जाएगा H4, C3H6, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इथीन प्रोपीन। इस तरह अल्काइन ग्रुप का ले तो क्या हो जाएगा, C2H2, ठीक है, यहां पर हो जाएगा C3H4, ठीक है ना। अब यहां तक अगर सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हम बर्न करते हैं, सेचुरेटेड जब हाइड्रोकार्बन को बर्न या कंबस्टन करते हैं तो क्या होता है, एक लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी जब हम बर्न करेंगे तो यहां पे भी लॉट ऑफ हीट एनर्जी आपको प्रोड्यूस होगा, बट यहां पे जो देखेंगे, ठीक है ना, अगर यहां पे एग्जांपल ले, अगर इसको पकड़ ले जिसमें हाइड्रोजन के जो एटम्स है सब में सेम हो, तो ठीक है ना। अगर यहां पे देखा जाए तो एल्केन ग्रुप में क्या था, C2H6 है, यहां पर क्या है C3H6 है, और यहां पर है C3 आपका H4, ठीक है ना, C3H6 और यहां पे आपका C4H6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब यहां एल्केन ग्रुप की बात करें तो यहां पे परसेंटेज क्या, लो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन 6 अगर यहां पे एटम्स है तो यहां पे कार्बन के एटम्स कितने हैं एल्केन ग्रुप्स में, 2 है। यहां पे अगर हाइड्रोजन के एटम 6 है तो एल्कीन ग्रुप में कितने कार्बन के एटम्स है, 3 है। यानी यहां पे जो कार्बन का परसेंटेज क्या है, यहां पे ज्यादा है, किससे, एल्केन से। और अगर अल्काइन की बात करें तो उतने ही एटम हाइड्रोजन के एटम 6 है, बट यहां पे परसेंटेज कार्बन का क्या है, और ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पे एल्केन का जो परसेंटेज है कार्बन का कम है। तो जब ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न होता है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या कंप्लीटली कंबस्टन होता है, ठीक है ना। यहां पे आपका कंप्लीटली कंबस्टन होता है। तो जब कंप्लीटली कंबस्टन होता है तो यहां पे क्या होता है, ये आपका लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, बट ये क्या करता है, ब्लू फ्लेम। यहां पे क्या होगा, ब्लू फ्लेम होगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन शूटी, आपका नॉन शूटी फ्लेम कह लीजिए, ठीक है। नॉन शूटी में क्या होता है, यहां पे कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं रहता है, यानी कंप्लीटली ये बर्न होता है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन यहां पे क्या है, जो अनसेचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन है, यहां पे कार्बन का परसेंटेज क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन कार्बन इसमें आपका एल्केन ग्रुप से। तो यहां पे जब कार्बन का परसेंटेज क्या है, ग्रेटर है, यहां भी कार्बन का परसेंटेज ग्रेटर है, तो इसको इतने सफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई एयर में नहीं अवेलेबल रहती कि जो इसको कंप्लीटली कंबस्ट कर सके, ठीक है ना। तो यहां पे इसका कंबस्टन कंप्लीटली नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये आपका एलो फ्लेम देता है, और यहां पे क्या हो जाएगा, सूटी, सूटी फ्लेम होगा। तो यहां पे क्या होता है, आपका सूटी फ्लेम होता है और येलो सूटी फ्लेम होता है। सूटी फ्लेम का मतलब क्या है, सूटी फ्लेम मींस इसमें ब्लैक आपका स्मोक भी रहता है, ठीक है ना। यानी ये फुली कंबस्टन या कंप्लीट कंबस्टन यहां पे नहीं होता है, क्योंकि यहां पे क्या है, कार्बन का परसेंटेज यहां पे हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा रहता है, और इसको इतना ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं मिल पाता एयर में कि इसका कंप्लीटली कंबस्टन हो जाए। बट एल्केन के केस में, क्योंकि यहां पे कार्बन का परसेंटेज एल्कीन और एल्काइन की कंपेयर में काफी लो रहता है, इसलिए यहां पे कंबस्टन कंप्लीटली होता है, इसलिए ब्लू नॉन सूटी फ्लेम होता है। बट अगर यहां पे भी अगर एयर की सप्लाई अगर हम कर्व कर दें तो यहां भी ये येलो और सूटी फ्लेम जनरेट करेगा।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो आप बिल्डिंग देखते होंगे, गैस बिल्डिंग का नाम सुना होगा, तो गैस बिल्डिंग में क्या होता, जनरली हमारे एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है ना, एसिटिलीन, उसका क्या होता है आपका। तो यहां पे जो हम गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें हम देखेंगे कि अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है ना, अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करते हैं, हमको यहां पे क्या, ऑक्सीजन का अलग से सिलेंडर यूज करते हैं, जब एक तब जाके क्या होता है, कंप्लीटली कंबस्ट होता है, क्या बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है ना। तो ये आपका जनरेट होता है, अगर इसको बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ फोर के जगह आपको फाइव यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर सी ओ टू प्लस टू एच टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है, फाइव टू जा टेन, एट प्लस टू टेन, और हाइड्रोजन के फोर, तो फोर हो गया, कार्बन के फोर फोर, ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने फाइव मॉलिक्यूल्स चाहिए, और यहाँ पे क्या था, मीथेन के, तो मीथेन के कंपेयर में क्या था, मीथेन में केवल ऑक्सीजन का आपको टू मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो ये एयर में ही प्रेजेंस हो जाता है, इतने ऑक्सीजन आपको एयर में मिल जाते हैं, बट ये कंप्लीटली यहां पे बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन का अलग से सिलेंडर यूज करना पड़ता है, जिसको हम गैस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर रिएक्शन आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन से जनरली एल्केन्स, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये मोस्टली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ये सारे सब्सटेंसेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जब हाइड्रोजन ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं जो हाई रिएक्टिव होता है, तो क्या करते हैं वहां पर, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। जैसे एग्जाम्पल आपका मीथेन जो एल्केन्स ग्रुप का, इसको हम जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट तो क्या फॉर्म होता है आपका CH3Cl प्लस HCl, ये क्या आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां पे क्या है, ये आपका है क्लोरो मीथेन, ठीक है ना, ये आपका IUPAC पद्धति में इसका क्या नाम है सिस्टम में, क्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम बोलते हैं मीथिल क्लोराइड, क्लियर। तो जब हम मीथेन के साथ जब क्लोरीन, क्लोरीन क्या है आपका हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था हाइड्रोजन एटम, तो जब क्लोरीन गैस के साथ जब मीथेन रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो फॉर्म करता है आपका क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इसकी सप्लाई, क्लोरीन गैस की सप्लाई, जो क्लोरीन गैस का जब अमाउंट हम इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के साथ ऐड होता है और एक क्लोरीन का एटम यहाँ पे कार्बन के साथ ऐड होता है, तो यहां पे क्या है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह अगर यहाँ पे क्लोरीन की जब हम सप्लाई या क्लोरीन का अमाउंट हम इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी क्या आपका CH3Cl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका हम अमाउंट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखें एग्जाम्पल में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, यहां पे बना लेगा, इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है मेथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है ना। अगर यहां पे इसी तरह क्लोरीन का हम थ्री मॉलिक्यूल्स अगर ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा CHCl3, ठीक है ना, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम बोलते हैं
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे, प्रेस लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म यहां पे इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो मीथेन। इस तरह अगर और अमाउंट बढ़ा दें, यहां पे हम इसके फोर मॉलिक्यूल यूज कर दो, क्या हो जाएगा CCl4 और प्लस 4HCl। यहां पे क्या करेगा ए, अगर यहां पे हम यहां पे आपको रिएक्शन लिख देते हैं, यहां प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहां आपका हो जाएगा CCl4 प्लस 4HCl। यहां हाइड्रोजन के चारों एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्या हो गए, यानी यहां के हाइड्रोजन के चारों एटम्स क्लोरीन के साथ ऐड हो रहे हैं, और यहां क्लोरीन चार एटम्स क्या होगा कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो अब यहां पे क्या है, अब यहां पे जो ये कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है, और इस तरह इसका क्या नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है ना। तो इसी तरह और भी कितने आपके एल्केन्स ग्रुप के हैं, चाहे वो इथेन हो, ठीक है ना, चाहे आपका इथेन हो, आपका प्रोपेन हो, आपका ब्यूटेन हो, ठीक है ना, ये सारे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। बट जो हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डू नॉट रिएक्ट विथ हैलोजन एटम्स, वो हैलोजन एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके एल्कीन एंड अल्काइन्स ग्रुप, ठीक है ना, यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपके हैलोजन ग्रुप एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये कौन सा रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, केवल कौन देता है आपका अल्केन्स ग्रुप, ठीक है ना, यानी अल्केन्स ग्रुप हाइड्रोकार्बन से केवल ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एडिशन रिएक्शन पे, थर्ड आते हैं आपका एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन किसमें होता है, जो हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्कीन एल्काइन्स, ये क्या करते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन एटम के साथ ये रिएक्ट करके क्या करते हैं एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जांपल आपका, ठीक है, ये हमारा क्या है आपका इथीन है, अगर इसको हम यहां पे क्या है निकल कैटालिस्ट है, ठीक है, यहां पे इसके प्रेजेंस में अगर हम हीट कर, ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे आप जब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इसके प्रेजेंस में निकल के, थोड़ा सा इसमें स्पेस ले लें, यहां पे हाइड्रोजन के साथ आप निकल या कोलाइडियम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं निकिल और ये है आपका कोलाइडियम मेटल, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है कैटालिस्ट का काम कर रहा है, कैटालिस्ट, ठीक है। तो यहां पे जब हम इसमें प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो इथीन है ये चेंज हो जाएगा इथेन में, क्या हो जाएगा इथेन में। यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने एटम्स है 2N2 4+2 यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 हो गए, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ऐड हो गया क्या हो रहा है एक नया कंपाउंड हमारा फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा। अभी क्या है एक कप सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे क्या इथेन है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या अनसैचुरेटेड, जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जस्ट लाइक एल्केन्स ग्रुप ए एडिशन रिएक्शन
नहीं देता, बट जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसे एल्कीन और अल्काइंस ग्रुप के जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये क्या करके एक यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं अपने को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। तो ये आपका एक, इसीलिए इसको बोलते हैं जब हाइड्रोजन इसमें एड होता है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो ये क्या है, हाइड्रोजनेशन क्या है, जिसमें कि हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहां पे जैसे क्या, ये आपका अनसैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, यहां पे जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। इसका यूज कहां करते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, ठीक है ना, उससे जब हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, जिसको वनस्पति घी बोलते हैं, तो वहां पे इस प्रोसेस को यूज करते हैं। उसका देखा जाए तो कैसे है, उसका भी यहां पे देखा जाए, सपोज करिए ये आपका अनसैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड इसको फैट भी बोल लेते हैं, ठीक है ना। जब यहां पे हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, निकिल या पोलेडियम, ये क्या क्या होता है, एक कैटालिस्ट का काम करता है। जब हम हीट करते हैं तो यहां पे क्या हमको प्रोड्यूस होता है, जब हीट होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमको मिलेगा वेजिटेबल घी, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, इस सैचुरेटेड फैट हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। यहां पे क्या है, ये वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है ना। वेजिटेबल ऑयल को जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमको सैचुरेटेड फैट या वेजिटेबल घी या वनस्पति घी जिसको बोलते हैं उसके रूप में फॉर्म होता है। हमारा जो है कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, क्या है, इन जो लिक्विड कंडीशन में होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जो वेजिटेबल घी में फॉर्म होता है, तो या तो ये सॉलिड कंडीशन में होगा या फिर सेमी सॉलिड होगा, ठीक है ना, या सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा, बट यहां पे क्या होगा, इन लिक्विड कंडीशन में होगा, ठीक है। तो जो हमारा सैचुरेटेड फैट है या जो वेजिटेबल घी है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट है, ये इट इज गुड फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए क्या है, ये बेटर है, वो क्या है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बैड है, ठीक है। तो आपका एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कंबस्टन जो इसकी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम आते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स पे। एडिशन रिएक्शन में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन के अलावा हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन से भी रिएक्शन करता है। अगर हम ब्रोमीन का एग्जांपल है, जैसे आपका ब्रोमीन वाटर, इसमें क्या है, इसमें मेनली प्रेजेंस रहता है ब्रोमीन, इसका कलर क्या रहता है, आपका रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जब हम इसको अनसैचुरेटेड फैट से रिएक्ट कराते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? आपके अल्किन्स और अल्काइन्स है। जब इसमें हम जब ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये डीकलराइज हो जाता है। डीकलराइज का मतलब ये कलर लेस हो जाता है, जो अभी इसका रेड ब्राउन कलर है ये आपका हो जाएगा कलर लेस। बट अगर हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है यहां पे क्या होगा, नो चेंज ऑफ कलर। अगर हम एक एग्जांपल है, आपके पास एक वेजिटेबल ऑयल है ठीक है, और आपके पास एक बटर है ठीक है। वेजिटेबल ऑयल या इसको कह सकते हैं कुकिंग ऑयल ठीक है। अगर इसमें अगर हम ब्रोमीन वाटर ऐड करें ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर में अगर आप वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक कलर लेस हो जाएगा ठीक है ना। ये कलर लेस हो जाएगा क्यों, क्योंकि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। लेकिन जब बटर को अगर ऐड करते हैं यहां पे ब्रोमीन वाटर में ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो चेंज ऑफ कलर। हम ब्रोमीन वाटर का यूज क्या करते हैं, हम यहां यूज करते हैं कि कौन हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका पता लगाने में हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, अगर उसका कलर चला जाएगा तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड है, और उसका कलर यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ठीक है ना। आते हैं सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है ना, हम कार्बन कंपाउंड्स जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड में आपका इथेनॉल है, फर्स्ट हम उसी को लेते हैं इथेनॉल। इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH ठीक है ना। इसको हम CH3CH2OH या CH3CH2OH भी रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ना। तो ये हमारा इथेनॉल है ठीक। अब इसका हम लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ठीक है ना, फिर नेक्स्ट आएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो क्या है, जो इथेनॉल है ये आपका कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, कलरलेस लिक्विड, एक प्लीजेंट स्मेल भी देता है। जो आपका ये लिक्विड होता कैसा होता, ये वोलेटाइल लिक्विड होता ठीक है ना, वोलेटाइल लिक्विड होता। तो आपका जो इथेनॉल है आपका कलरलेस है, वोलेटाइल लिक्विड है, एक प्लेजेंट स्मेल है ठीक है ना। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट, इसकी आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका, 78 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ना, या 351 के हो जाएगा। आपका केल्विन में क्या हो जाएगा, इसमें 273 प्लस कर देंगे ठीक है, क्या हो जाएगा 351 के। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लो है ठीक है। अब ये चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, यहां पे क्या है आपका जो OH ग्रुप लगा है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
इथेनॉल क्या है? इथेनॉल सोल्यूबल इन वाटर. हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रीजन के कारण ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इथेनॉल सोल्यूबल इन वाटर. तो जब ये वाटर में सोल्यूबल होता है तो हम किसी भी प्रोपोर्शन में हम वाटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना. अगर हम इथेनॉल में 5% वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना, 5% अगर वाटर ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट. जो स्पिरिट यूज करते हैं तो ए आपका उसमें 5% वाटर होता है, ठीक है ना. अब इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ए आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है ना. ए न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? नहीं ये एसिडिक है ना, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो डू नॉट इफेक्ट ऑन लिटमस सोल्यूशन. डू नॉट इफेक्ट ऑन लिटमस सोल्यूशन. डू नॉट इफेक्ट ऑन लिटमस सोल्यूशन ड्यू टू द न्यूट्रल, ठीक है ना. तो ए आपका ये आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना. अब इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH. ये क्या है? आपका ये सेकेंड मेंबर है, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज अल्कोहल. जो हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसकी बात करें तो इसका सेकेंड मेंबर है. फर्स्ट मेंबर क्या होता है? मेथेनॉल होता है, ठीक है ना. ये आपका मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है. उसके बाद सेकेंड मेंबर क्या था हमारा? इथेनॉल है. तो हम इसकी अब बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं कंबस्टन, ठीक है ना. अगर इसका हम कंबस्टन यानी इसको हम बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो आते हैं हम इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहां पर ले लेते हैं कंबस्टन. ठीक है ना. अब यहां पर जब हम इथेनॉल को क्या करते हैं, हम जब यहां पे कंबस्टन इसका यानी बर्निंग जो होता है, ठीक है ना. कंबस्टन इज आल्सो नोन एज बर्निंग, ठीक है ना. जब ऑक्सीजन प्रेजेंस एयर में, जब हम एयर में बर्न करेंगे तो क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होगा. तो यहां पे प्रोड्यूस करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपका हीट प्लस लाइट. अब यहां पे अगर हम बैलेंस कर ले तो क्या हो जाएगा? यहां पे आपका, ठीक है, तो आपका हो गया 6+7 तो आपका ऑक्सीजन का 4+3 7 और हाइड्रोजन 6, तो आपका बैलेंस हो गया. अब ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीटेड लाइट. तो यहां पे क्या है, जब इथेनॉल को अभी हम कंप्लीटली कंबस्टन करते हैं यानी जब बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर हीट प्रोड्यूस होता है. तो यहां पे भी क्या है, ये भी एक फ्यूल है, ठीक है ना. फ्यूल हम उसी को बोलते हैं जहां पे हमें हीट मिलती है, तो ये भी एक साइलेंट फ्यूल है. तो हम इथेनॉल का यूज करते हैं. जनरली हमारा जो शुगर केन होता है, जो हमारा शुगर केन है, वहां से हमको इथेनॉल मिलता है, ठीक है ना. तो इथेनॉल हम क्या करते हैं, बहुत से कंट्री में ये जो इथेनॉल है उसको पेट्रोल में ऐड करते हैं, ठीक है ना. क्योंकि हमारा पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, तो उसको उसको हमको लंबी अवधि तक उसका यूज किया जा सके, लॉन्ग पीरियड तक यूज करने के लिए हम उसमें कुछ परसेंटेज में इथेनॉल भी ऐड करते हैं. क्योंकि इथेनॉल इज ए गुड फ्यूल, क्योंकि ये भी कंप्लीटली बर्न होता है और ये एलॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना. तो ये हमारा इथेनॉल का कंबस्टन प्रॉपर्टीज है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं इसका, आपका ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या देखते हैं, यहां पे ले लेते हैं आपका इथेनॉल, ये आपका हो जाएगा इथेनॉल आर, इसको बोलते हैं एथिल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना. जब ए आपका
यहां पे कौन सा ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। यहां पे क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन मींस जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, एयर वाला ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना, ये फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। तो यहां पे जब ऑक्सीडेशन होता है, यहां पे प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, यहां पे होगा अल्कलाइन KMnO4, ठीक है ना, या इसके जगह पे ले सकते हैं SD5 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां पोटेशियम डाइक्रोमेट या आपका पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम होता है पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है ना। इसके साथ क्या होता है, एल्कलाइन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसमें क्या है आपका, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसको अल्कलाइन नेचर का बनाता है, और यहां पे जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पे क्या है एसिडिफाइड, यहां पे क्या अल्कलाइन नेचर का है, तो यहां पे क्या करेंगे, इसके साथ हम लगाएंगे प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, कोई एसिड ऐड कर देंगे। तो इसके प्रेजेंस में और इसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है आपका, ठीक है ना, इसको हम C2H5OH को हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है ना, CH3CH2OH, तो ये फॉर्म करेगा आपका CH3COOH प्लस व्हाट, ठीक है ना। तो ये क्या आपका, इसको बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, आपका वाटर पंप करेगा, ठीक है ना, तो ये आपका एथेनोइक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो यहां पे ऑक्सीडेशन, अब आप कहेंगे कि यहां पे भी ऑक्सीजन, जब हम इसको बर्न कराते थे वहां भी ऑक्सीजन होता था, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होता था, बट वहां पे क्या होता था, वहां का जो रिएक्शन होता था रैपिडली होता था, वहां पे हम एयर में बर्न करते हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोली, यहाँ पे क्या है ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है एड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ए ऑक्सीजन है ये फ्रेशली जनरेटेड ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि बर्निंग हो रहा है, ठीक है ना, बर्निंग जो होता है रैपिडली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अदर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अदर कंपाउंड फॉर रहा है, जो कार्बन कंपाउंड इसमें फॉर्म हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, एक अदर एंड अदर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, बट वहां पे क्या था, वहां पे हम बर्न कर देते तो वहां पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा था, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं इसका, कर लेते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मैटर, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, हमारा सोडियम मेटल क्या है, रिएक्टिव मेटल है, तो ये एक आपका इथेनॉल और एथिल अल्कोहल, इसी को एथिल अल्कोहल बोलते हैं। अभी जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है आपका C2H5O प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपका है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब यहां पे हम बैलेंस कर लिए इसको, तो इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम एथोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है आपका एथेनॉल, ठीक है ना। इस तरह अगर फोर्थ रिएक्शन देखते हैं डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, जैसे यहां पे हमने ले लिया अल्कोहल या आपका ये एथिल अल्कोहल हो गया या एथेनॉल हो गया, इसको जब हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कितना 170 डिग्री तक हीट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये जो अल्कोहल से आपका बाहर आता है, तो यहां पे क्या फॉर्म होता है, यहां पे फॉर्म होता है एथीन फॉर्म होता है और प्लस वाटर, ये आपका वाटर और यहां पे क्या हो गया एथीन। तो जब अल्कोहल आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब 170 डिग्री तक इसको हम डिहाइड्रेट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है आपका एथीन फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यहां पे ये आपका डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है और ये एल्कीन ग्रुप में आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथीन और आपका वाटर फॉर्म करता है तो इसका रिएक्शन डिहाइड्रेशन हो गया। रिएक्शन इज सोडियम मेटल जिसमें आपका सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, एक लेते हैं रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है CH3COH, ये कौन सा, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। अब जब ये अल्कोहल के साथ यानी एथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH या एथेनॉल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है CH3COC2H5 और प्लस आपका हो जाएगा वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है ना। आपका ये वाटर फॉर्म करेगा और प्लस इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है आपका हो जाएगा एथिल एथिल आपका एथिल एथिल एथेनोएट आपका एथिल एथेनोएट जिसको हम एस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका एथिल एथेनोएट फॉर्म करता है जब ये आपका क्या है, ये आपका है एथेनोइक एसिड, ये आपका है एथेनोइक एसिड जिसको, या इसका सेकेंड नाम क्या है एथिल एसीटेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट, अब ये क्या है आपका एथिल, ये आपका एथेनॉल है, ठीक है, आपका एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है। जब एथिल अल्कोहल के साथ जब आपका एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है तो आपका एस्टर फॉर्म करता है। एस्टर क्या है, ये स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग देता है, ठीक है ना। इसका यूज कहां करते हैं, जनरली जो हमारा परफ्यूम होता है, ठीक है ना, जो बॉडी परफ्यूम होता है जिसमें हमको स्वीट स्मेलिंग का, ठीक है, नीड होता है, तो वहां पे हम यहाँ पे एस्टर फॉर्म करते हैं। इसका मतलब कोई भी जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब कोई भी अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हम क्या फॉर्म होगा आपका एस्टर फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो एस्टर फॉर्म होता है कब, जब हमारा कोई ऑर्गेनिक एसिड जब रिएक्ट करता है आपका अल्कोहल ग्रुप के साथ, ठीक है ना, चाहे वो एथेनॉल हो ब्यूटेनॉल हो, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा एस्टर फॉर्म होता है। एस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग होता है जिसका हम यूज करते हैं बॉडी परफ्यूम के लिए, ठीक है ना। आते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। हम अल्कोहल्स का टेस्ट कैसे करेंगे कि उसमें अल्कोहल प्रेजेंस है, तो अल्कोहल का टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं, टू वे। फर्स्ट है आपका विथ सोडियम मेटल और सेकेंड है विथ एथेनोइक एसिड। जैसे अभी हमने रिएक्शन जो लिखा था सोडियम मेटल के साथ, जब अगर कोई में अल्कोहल अगर प्रेजेंस है तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो हम हाइड्रोजन गैस में जगह अगर बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ तो बर्न करेगा, ठीक है ना, एक पॉप साउंड जनरेट करेगा, जिसका मतलब वहां पे क्या होगा,
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इट मींस क्या होगा, वो अल्कोहल होगा, ठीक है ना। सेकेंड है जब हम उसको इथनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब हम इथनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या होगा, हमको एक स्वीट स्मेलिंग आएगी जो एस्टर की होती है, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, वो अल्कोहल है। तो ये आपके दो मेथड है जिससे हम अल्कोहल का, अल्कोहल के प्रेजेंस का हम अब पता लगा सकते हैं। आते हैं यूजेज ऑफ इथेनॉल है, एथिल अल्कोहल, हम एथिल अल्कोहल का यूज देखते हैं। तो इथेनॉल क्या, इथेनॉल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, पेंट्स बनाने में, आपका वार्निश बनाने में, कलर बनाने में, परफ्यूम बनाने में, सोप और सिंथेटिक रबर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इथेनॉल का यूज हो गया। अब यह क्या है, इट इज ए गुड सॉल्वेंट, इथेनॉल क्या है, गुड सॉल्वेंट है। तो इसका यूज किस में करते हैं, मेडिसिन में, कौन से मेडिसिन, लाइक क्या है, जैसे आपका कफ सिरप हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट की तरह यूज करता है, तो कफ सिरप हुआ या मेनी टॉनिक्स बनाने में, जो हम टॉनिक यूज करते हैं उसको बनाने में भी हमारा इथेनॉल का यूज होता है। थर्ड अगर यूज देखें तो इट इज यूज फॉर एज ए सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, बट इथेनॉल में क्या है, सोल्यूबल है, तो इट इज ए गुड सॉल्वेंट। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम, ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वो इथेनॉल के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। फोर्थ अगर इसकी यूजेस देखा जाए तो क्या, इट इज यूज एज ए फ्यूल, क्या है, हमारा इथेनॉल एक गुड फ्यूल है, क्योंकि जब इसका हम कंबस्टन कराते तो क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती थी, इसमें कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, और आपका वाटर फॉर्म होता है वेपर के रूप में, बट क्या है, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी हमको प्रोड्यूस होती है, जो कि फ्यूल के लिए कंपल्सरी है। तो हमारा क्या है, इट इज ए गुड फ्यूल, क्योंकि बहुत से कंट्री में हम इथेनॉल को हम पेट्रोल के अंदर एड भी करते हैं। तो इट इज, आपका नेक्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है ना। आप देखेंगे जो वाइन शॉप पे बहुत से क्या होती है, जैसे व्हिस्की है, आपका बियर है, आपका वाइन है, ये क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में भी हम इथेनॉल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे व्हिस्की है, इसमें क्या होता है, 35% अल्कोहल मिला होता है। जैसे वाइन है, वाइन में क्या होता है, 10-20% अल्कोहल मिला होता है, बट बियर में क्या है, लेस देन 10% होता है। तो ये क्या है, हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए यूज होता है। और इसका लास्ट यूज अगर देखा जाए तो क्या, लास्ट 6.5 का क्या, एथिल अल्कोहल या आपका इथेनॉल इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक टू फिलिंग वाउंड इन द हॉस्पिटल, जो हमें चोट लग जाती है, तो इसका यूज हम एंटीसेप्टिक के भी रूप में हम करते हैं घाव पे, हॉस्पिटलों में, ठीक है ना, जिससे हमारा घाव भरने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये आपके इसके यूजेज हो गए। आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, जो हमारे अल्कोहलिक लोग होते हैं, अल्कोहलिक पर्सन जो अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है उस पर बातें कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या, द अल्कोहल सोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। अगर हम अल्कोहल का यूज करते हैं तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन क्या होता है, उसकी जो एक्टिविटी क्या होती है, काफी स्लो हो जाती है। इससे देखते होंगे कि जो शराब लोग ज्यादा पीते हैं वो बड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जो है काम नहीं करता है। सेकेंड इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या, अल्कोहलिक मेन जनरली क्या है, लीड टू क्वेरल्स ए वायलेंस इन सोसाइटी। जो अल्कोहलिक पर्सन होंगे देखेंगे सोसाइटी में हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है ना, झगड़ालू प्रवृत्ति और मारपीट में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं और लीड करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आता है तो हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल मेक्स द पर्सन फाइनेंशियली बैंकरप्ट। जो हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसे लोग जो कि हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो फाइनेंशियली क्या होती है, खर्च खत्म हो जाता है, ठीक है ना। देखते हैं कि अक्सर लोगों के बैंक बैलेंस भी पीने के चक्कर में सब खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, एक तरह से दिवालिया हो जाते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या, हैवी ड्रिंकिंग अल्कोहल ओवर ए लॉन्ग पीरियड, अगर आप अल्कोहल का एक लॉन्ग पीरियड तक हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका ब्रेन क्या हो सकता है, ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना, आपका जो ह्यूमन बॉडी में ये डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारे हार्मफुल है इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। लेकिन फिर भी देखेंगे तो अल्कोहल शार्प रहता है, उस पर गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिलता है, ठीक है ना, 40-50-60% तक टैक्स लगाते, फिर भी उस पर लाइन लगी रहती, क्यों, क्योंकि वो लोग, बहुत से लोग यहाँ पे अल्कोहलिक हो चुके हैं उनको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेकिन जो अल्कोहल है इसका केवल यूज शराब पीने में नहीं होता है, अल्कोहल का लॉस मतलब ये लॉट ऑफ यूज है कहाँ पे, मेडिसिन के फील्ड में, इंडस्ट्री में, तो वहां पे जो हमारा अल्कोहल होता है क्या होता है,
आपने एक सुना होगा नीनेचाइड अल्कोहल, ठीक है ना। अगर हम यहां की बात करें तो क्या है ये डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, जनरली जो हमारा इंडस्ट्री में जो हमारा अल्कोहल यानी एथेनॉल की जो सप्लाई होती है आपका C2H5OH, अगर एथेनॉल क्या है अल्कोहल है जो इसकी सप्लाई होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है क्योंकि इंडस्ट्री के पर्पज से यूज होता है, इस पर गवर्नमेंट का टैक्स क्या क्या होता है काफी कम होता है, फ्री होता है क्योंकि मेडिसिन के भी फील्ड में होता है। तो चूंकि इसका मिस यूज ना हो तो हम इसमें क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट अब क्या करते हैं इसमें कुछ पॉइजन की चीजें मिला देते हैं ताकि लोग इसका मिस यूज न करें, ठीक है ना। तो यहां पे स्मॉल अमाउंट में क्या मिला जाता है मेथेनॉल, ठीक है ये आपका मेथेनॉल क्या है ये भी अल्कोहलिक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, ये क्या है ये एथेनॉल से भी काफी डेंजरस है, अगर इसका सेवन अगर आप करते हैं तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा और परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और अगर अल्कोहल ज्यादा ही मात्रा में लेते हैं हैवी ड्रिंकिंग लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपका इसमें क्या होता है स्मॉल अमाउंट में हमारा मेथेनॉल या पायराडीन या कॉपर सल्फेट क्या है ये इसमें पॉइजन के रूप में हम मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री पर्पज के लिए तो यूजफुल है बट इसका लोग गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि लोग वहां पे रास्ते में इसका मिसयूज करके पीना ना शुरू कर दे। इसको बोलते हैं डिनेचर्ड अल्कोहल जो कि इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये काफी चीपर होता है सस्ता होता है, जो आपका बाजार में वाइन विस्की बियर के रूप में जो आपका अल्कोहल मिलता है उससे काफी सस्ता होता है। तो इसका मिसयूज ना हो इसलिए हम इसमें कुछ पॉइजन मिला देते हैं ताकि इसका रास्ते में गलत उपयोग न हो। तो स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाता है जैसे आपका मेथेनॉल पायराडाइन आपका कॉपर सल्फेट ये सब इसमें आपका इम्प्योरिटी कह लीजिए या पॉइजनस के रूप में इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल है और आपका यूज्ड आप मैंने बता दिया, ठीक है।